नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में अचानक से गिरावट आते हुए दिख रही है, पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया है। बैंक निफ्टी की स्पेशली बात करना चाहूंगा आप सभी के साथ। कल लगभग 2:20 के करीब बैंक निफ्टी ने एक बड़ा वाला ब्रेकआउट दिया 45,300 के ऊपर का, जिसके बाद ऑलमोस्ट सबका मानना यह था कि 46,000 आएगा। इनफैक्ट 45,150 के ऊपर ही बाजार से जो लोगों का व्यू था वो पॉजिटिव हुआ, और जाते जाते ऑलमोस्ट 400 का हाई आपके लिए लगा था कल ही, और आज आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 46,000 आपके लिए आया है स्क्रीन पे। 45,905 का आज का हाई है। अब ट्रेडिंग में कितनी मुश्किल से पैसा बनता है आप ये समझने की कोशिश कीजिए। जिसने कल खरीदा उसने मॉर्निंग में बेच दिया तो ठीक, अदरवाइज मौका नहीं दिया, बाजार वन साइडेड टूटा। ऊपर से 945-900 से सीधे बाजार आके खड़ा हो गया 45,434 पे। अब जिसने कल 45,400 पे भी लिया है ना, वो भी लॉस में होगा। बेशक मार्केट 34 पॉइंट उसके लेवल से ऊपर है, क्यों? प्रीमियम कॉस्टिंग ये सब कौन देखेगा, थीटा डिके ये सब कौन देखेगा। तो ये सारी चीजें क्या करती है, बाजार में आपको काफी हैविली नुकसान कराती है। अब अचानक से बाजार में क्यों गिरावट आई है, इस गिरावट को आपको कैसे टैकल करना है, आगे का क्या व्यू होना चाहिए, और मेरे पास कुछ कमेंट पिछली वीडियो में आए कि भाई मेरे को फ्रेश खरीदारी करनी है, कौन से शेयर मैं खरीदूं वो बताइए। शुरू करते हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स। पहले जरा बैंक निफ्टी का अपडेट देना चाहूंगा। देखिए, वैसे तो पूरा बाजार ऊपर से डाउन हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में स्पेशली ट्रैपिंग हो गई। 45,905 का हाई है, 45,416 पे करंटली निफ्टी ट्रेड कर रही है। लो लगा दिया है 45,362 का, ऊपर से 500 पॉइंट साफ। कितने लोग फंस गए होंगे यार, आज दुनिया ने पैसा बना लिया, बाजार लाइफ हाई लगा रहा है, सब अच्छा दिख रहा है, लेकिन जो ट्रेडर है उनकी आज बैंड बजी है बुरी तरीके से। सब कुछ अच्छा होने के बाद ये क्या करेक्शन है, ये बाजार है, ये अनप्रिडिक्टेबल चीजें हैं, तभी तो ये इंट्राडे शॉर्ट टर्म टेक्निकली मैं ये खरीदूंगा, ब्रेकआउट पे मैं वो खरीदूंगा, मैं अपना पैसा बर्बाद करूंगा। मत करो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं मत करो। ये तो एक ऐसा समय चल रहा है जहां आपको निवेश भी बहुत सूझबूझ के साथ करना है। जो कमेंट आपका है मैं खरीदना चाहता हूं उस पर जब आऊंगा तो वो ध्यान से सुनिएगा। तो अभी निफ्टी बहुत वॉलेटाइल हो रहा है, बैंक निफ्टी सॉरी। अब अगर आप मेरे से पूछो क्या करें, देखिए बाजार मजबूत है, बाजार स्ट्रांग है और गिरावट नहीं होगी ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछो कि भाई तेजी या मंदी, तो मैं कहूंगा तेजी, मैं मंदी नहीं कहूंगा। लेकिन ये जो 500 पॉइंट नीचे चला गया ऊपर से, मैं तो कह दूंगा अरे 500 पॉइंट ही तो गया यार, बाजार इतना ऊपर आ गया तो 500 पॉइंट नहीं गिर सकता। लेकिन उस बंदे का क्या जिसने कल खरीदा, 500 पॉइंट की तेजी देखी लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस में आ गया ट्रेडिंग की वजह से। ये सारी चीजें आपकी खुद की गलती की वजह से होती है। जब तक आप खुद को नहीं समझाओगे कि ये शेयर बाजार जल्दी पैसा बनाने की कोई मतलब पेड़ नहीं है, कोई ऐसा हवा नहीं है कि पैसा झूल रहा है आप तोड़, नहीं होगा ऐसा। अब यहां पे करना क्या है वो समझिए। देखिए बाजार में पॉजिटिविटी रखनी है, पॉजिटिव रहना है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा ये गिरे किस लिए, कौन से स्टॉक ने आज दम तोड़ दिया है। तो HDFC बैंक दिख रहा है दम तोड़ते हुए, 1704 का हाई लगा के 1678 पे ट्रेड कर रहा है। दिग्गज बैंक है, अब यही टूटेगा तो सभी टूट जाएगा ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं यहां पे गिरावट आई है। बाकी ICICI बैंक की बहुत तारीफ थी, बट ठीक है ICICI बैंक तो अच्छा कर रहा है। इंडसइंड बैंक थोड़ा सा नीचे आया, कोटक बैंक 0.5% नीचे आया, फेडरल बैंक 0.5% नीचे है, और बंधन बैंक में भी कुछ गिरावट है। मेनली आज HDFC बैंक ने थोड़ा बाजार को ट्रैक कर दिया ऐसा दिख रहा है। अब HDFC बैंक की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में तो मैं सुपर पॉजिटिव हूं, लेकिन मैं टेक्निकली कल भी मैंने क्या कहा था, भैया टेक्निकली मैं बात ही नहीं करूंगा इस शेयर पे, कुछ भी होता रहे मेरे को कुछ देखना ही नहीं है, मेरे को तो 24 महीने के लिए लेना है HDFC बैंक, मुझे 2000 चाहिए, मैं सेटिस्फाई हूं, आप भी हो तो ले लो, गिरावट में ऐड कर लो। सेम चीज बाजार में भी फॉलो करनी है, गिरावट होगी जैसे कि हो रही है और होती है तो आपको 45,300-45,200 के करीब लेना है, और स्ट्रिक्ट SL होगा 44,975 का, यानी 45,000 से 25 पॉइंट नीचे का। वो ब्रेक करिए तो हाथ जोड़ के जय श्री राम कह के छोड़ देंगे माल जो ट्रेडर्स हैं, और नहीं रखेंगे। यहां कुछ नहीं करना है, बिल्कुल छोड़ना है, 45,500 के नीचे निकलना ही नहीं चाहिए था बाजार को, बट निकल रहा है और अभी टिक रहा है 10-5 मिनट तो ये थोड़ा जितना ज्यादा टिक रहा है उतना खराब हो रहा है। पूरे बैंकिंग कंपोनेंट्स का आपको अपडेट देना चाहूंगा। देखिए पोर्टफोलियो का आज बहुत बुरा हाल है लोगों का, मेरे से पूछ लो आप, क्योंकि मार्केट ब्रेथ जो दिखा रही है ना वो थोड़ा नहीं बहुत बेकार दिखा रही है।
स्मॉल कैप 1% टूट गया है, मिड कैप 0.4% टूट गए हैं, और एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का हाल बहुत ज्यादा बुरा हो गया है। बैंक निफ्टी भी लाल निशान में आ चुका है, और निफ्टी किस वक्त लाल निशान में आ जाए कह नहीं सकते, केवल 10 पॉइंट रह गया है। तो बहुत ही ज्यादा खराब मूड माहौल हो गया एकदम से बाजार का, और आईटी आज भी टेके हुए ऊपर की तरफ ही और सपोर्ट देने का काम कर रहा है। तो यहां आपको कुछ नहीं करना, और फ्रेश एंट्री की बात ऐसी है भाई, अगर आप लगाते ही पैसा बनाना चाहते हो नहीं बनेगा, लगा के अगले 12 महीने 15 महीने के लिए सोचोगे तो जल्दी बन जाए अच्छी बात है। सेक्टर वही पड़े हैं खरीदने लायक जो बहुत पिटे हुए हैं और गिरते जा रहे हैं, लाइफ टाइम लो पे ट्रेड, 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं, लाइफ टाइम गलत वर्ड हो गया, केमिकल हो गया आपके लिए उनमें से एक सेक्टर जो टूट रहा है, कुछ मोनोपोली बिजनेसेस हैं जो टूटे पड़े हैं, बट आपको मैं खरीद लूं बाजार ऊपर जाए शेयर ऊपर जा रहे हैं वो ऐसा नहीं होने वाले, वो अगली तेजी के खिलाड़ी बन सकते हैं, उनके बारे में पर्टिकुलरली अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा मैं आप सभी के साथ। ये सारी चीजें वीकेंड के दौरान करता हूं मैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी हो सकता है आपके लिए कुछ शेयर करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।